सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस, आप लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन से कोई भी फोटो लेते हैं या फिर आप लोग अपना सेल्फी लेते हैं और वो फोटो जो है आपके फ़ोन के गैलरी में जो है सेव हो जाता है और बाय मिस्टेक आपसे जो है गैलरी में जो फोटो सेव होता है वो डिलीट हो जाता है या फिर आपका जो फ्रेंड है उसे जो है डिलीट कर देता है। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जो है स्नैपचैट का फोटो लेते हैं और आपके गैलरी से जो फोटो डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक और उसे आप लोग चाहते हैं रिकवर करना है, यानी चाहते हैं आप लोग उसे दोबारा से वापस लाना, तो आप जो है कैसे ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और गाइस, अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आप लोग जरूर से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपने स्नैपचैट एप्लीकेशन से फोटो लिया हुआ था, अपना सेल्फी लिया हुआ था और आपका जो सेल्फी है या फिर जो फोटो है आपके फ़ोन के गैलरी से डिलीट हो चुका है और उस फोटो को आप चाहते हैं दोबारा से रिकवर करना यानी कि वापस लाना, तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है स्नैपचैट। जैसे ही आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है इस वाले एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है, ठीक है, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको जो है ओपन करना है। ओपन जैसे ही करिएगा आप लोग, ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक आइकॉन दिखाई देगा इस तरीके का, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो जो आपका फ़ोटो डिलीट हुआ था आपके फ़ोन से, ठीक है, आपके जो फ़ोन के गैलरी है या फिर फाइल है उससे आपका जो है स्नैपचैट का फ़ोटो डिलीट हुआ था वो यहाँ पे सारा फ़ोटो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। जितना भी आप लोग स्नैपचैट से फ़ोटो लिए है सारा फ़ोटो आपको यहाँ पे जो है क्लियर देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी फ़ोटो को आप लोग चाहते हैं अपने फ़ोन की गैलरी में सेव करना यानी रिकवर करना, रिस्टोर करना, तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या है, आपको सिंपली से जिस फ़ोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली आपको जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई देगा, थ्री बिंदु दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट और सेंड स्नैप, सिंपली आपको यहाँ पे जो है फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउनलोड का आइकॉन बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्टिंग स्नैप, तो इस तरीके से होगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर स्नैप वॉज एक्सपोर्टेड, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको जो है अपना फाइल ओपन करना है या फिर अपने फ़ोन के अंदर गैलरी को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ओपन करिएगा तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि ये मेरा फोटो जो है यहाँ पे वापस आ चुका है, देख सकते हैं रिस्टोर हो चुका है, जो कि मेरा यहाँ से जो है ये फ़ोटो है स्नैपचैट का है डिलीट हो चुका था और यहाँ पे मेरा दोबारा से ये फ़ोटो वापस आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग स्नैपचैट से जो भी फ़ोटो लिया है उसको आप लोग जो है वापस ला सकते हैं यानी रिस्टोर कर सकते हैं।